मैं कसम से ये नहीं हूं। देखा, आवाज मैच कर लीजिए भाई, इसको को सोलो राइड्स बोले और फिर वो सुने। सोलो राइड्स का मुझे मतलब ही नहीं पता, उसका क्या मतलब ऐसे ही है ऐसे। कसम से। कितनी बोली बनी पीछे मुझे कह रही है कि किंग मुझे, मैं किंग बताती के हूँ तो बड़ा एक बगैर मिनट मेरी जान, देखो मुझे इतना पता है किंग पे, मुझे इतना भरोसा है कि किंग जो है ना मेरे साथ दगाबाजी नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। ये शायद वाहिद बंदा होगा सारों में जिस पे मैं आंखें बंद और करके अगर बिलीव इस कर रहा हूँ। मामले में ये झूठा हुआ और मैं सच्ची, फिर वो क्या शरारती फैसला है, करेंगे आप? शरारती है, मजाक करता है मेरे से, शुगर लगाता है, बड़े भाई हूँ मैं उसका, वो मेरे से मजाक करता है, लेकिन उसको इस बात अब्दुल्ला अब ना करेंगे, मैं तुझे बैन कर दूंगा, अब नहीं करना यार, अब नहीं, प्लीज अभी रुक जाओ, मेरी गांड फाड़ दी मादर चोद यार, एक सेकेंड रुक जाओ ना, बहन चोद फटा हो रहा है आप, करने दो मुझे सॉर्ट आउट। हाँ अब्दुल्ला चूती है, मादर चोद मौन करके फौरन पॉइंट सीने लग गया, अरे भैंड के लोड़े बिजनेस मैन, बहन चोद तुम वक्रे यहाँ पे चल रहे हैं, सब्र करो। मिनाल कसम खा के आपने ये बात यहाँ पे होके करनी है, ये आपकी आवाज़ नहीं थी वे मुझे यार, तू कसम रुक खा जा, रही मैं हूँ, मैं गल कर, कसम मैं खा रही बात कर हूँ रहा हूँ ना, भाई। मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी, हाँ जी प्रॉमिस, वोटिंग नहीं है नहीं प्रॉमिस, ना, कसम इतना खा ही रही हूँ, सीधा रहता अम्मी है, की नहीं कसम, वोटिंग, अब्बू की कसम, एलिमिनेशन है पूरा, मैं नहीं हूँ ये, ठीक है आ जाओ। इतनी बड़ी कसम है, नहीं मैं झूठी देखें बात सोचती। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये जे ने मुझसे कैसे बात की विदाउट प्रूफ, बात ये है हम चलते हैं आंखें खोल के, ठीक है, हम सुनते सब की हैं, मानते भी सब की हैं, भरोसा रखते हैं सब पे, लेकिन हम अपनी आंखें खोल के चलते हैं, मैं सिंपल। नहीं हूँ ये, मैं चल नहीं हूँ ओके, ये। इट्स ओके, मैंने बात क्लियर करनी थी मैंने कर ली, दैट्स फाइन, ओके लेकिन मैं आपको ये ओके कह रहा हूं कि कल को हमें ना पता लगे ये, जब है ही नहीं, क्या मैंने पता क्या बात की है, चलेगा। मैंने एक बात की अच्छा है कि कल को, ठीक है कल को ठीक है मुझे नहीं, किसी को पता लग जाएगा, मुझे नहीं पता लगना चाहिए, ठीक ओके ठीक है, है चल आ जाओ, ठीक है। आ जाओ इधर आना, तू है इधर आ, गाल सुन मेरी, पुती के बच्चे कंफर्म करके सेंड किया करो ना, बहन चोद मैंने तो पॉइंट ही निकाला था तो मैं यार, भी तुझे भी मादर तो चोद ऐसे ही और आई थी। पॉइंट क्या, बहन पूछ रही कि उसको मैं यूज कर रहा हूँ अपने लिए, उसको मैं गेम में वापस लाया हूँ, मेरे लन पे सिंपथी है, अच्छा मैं वो आंसू रहे जो भी है, आई डोंट केयर, तो बात नहीं जा रही, बात सुन भाई, सीधी बात है, सीधी बात करूंगा जी साहब, मैं उस आपकी लड़की, आवाज यहाँ तक आ रही है, मैं बस बस बना देखा ये जो आज के साथ। जो गेम में डालेगा इतना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जाने चुप हैं। चुप 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 चुप। पर वो चौथा एग्री नहीं ना हो रहा उस बात पे, मेरी तो अभी बात कम से सुने, कम मैं जंजुआ आपको ये बता दूं बात, अगर आपने जे का नाम लिया तो साथ मेरा भी नाम ले लें, मैं अगर जे इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी, यार सीधी तो सी उनका बात चौथा है। बंदा ही ना एग्री कर रहा, वरना हम लोग निकाल दें उसको, मुझे नहीं, मैंने त्रास आ कह गया दिया था। ठीक है, अगर आपने जे को निकालना है तो मेरा भी नाम साथ कर में। रहा है, देखो मेरी अजीब, बात सुनो, कर रहा है, कुछ अगर तो बिग बॉस ने कहा ना कि मेजोरिटी मैंने मानी उनसे चाहिए, वादा किया हुआ है ठीक है, मैंने अगर वादा एक उनसे कर लिया है, सीधी सी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे निकाला जाए या ना। सर मिनाल मैम क्या हो गया कल, उतना आप उसने आपको क्या क्या तो आपने यार किया यार रात कल उसके लिए, बात गई ना, खत्म हो गई, आज सब सेट हो गया, क्या आपका मेरे और समझ जय में के नहीं आता, दरमियान आपको में जब सारी मौका आता सिचुएशन। बदला लेने का आता है आपको देना मतलब पड़ता है, आप, मतलब फिर आप दोगली हैं ना मिनाल मैम, दोगला आप मुझे समझ लें दोगला, लेकिन लॉयल्टी यही होती है, मैंने उनको जुबान दी है ठीक है, उनसे यार मैंने वादा किया है, बढ़ गई ऐसी लॉयल्टी, कोई फायदा नहीं मिनाल में आपने ऐसी अगर लॉयल्टी जे का का, नाम लिया तो सीधी सी बात है मैं खुद सरेंडर कर दूंगी साथ, लेकिन मैं खुद अपना भी नाम मुझे दे दो, जे और साहब उसके को बाद फिर निकालना, मेरे से कोई उम्मीद ना रखिएगा मेरी जे बात साहब, सुने, मेरी बात सुने, देखिए मैं खुद भी उनको जे कह निकालना, रही हूँ जंजुआ साहब, मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ उनको, पर मजबूरी है अभी, अगर चौथा बंदा हमारा मान जाता है किसी तरीके से तो फिर ठीक है हम जे साहब को, मसला ये कि सिर्फ हम लाइगर साहब का मसला आ में रहा है भाई, आपको किसी का जे ही नहीं। नजर आ रहा है कि जे को देखो फिर निकाला है क्यों जंजुआ, हम निकाला दो है, बंदों का तो नाम ले और लिया मत करना सर, ब्रो, मत कौन कर रह ये जाता है, हरकतें, कौन रह जाता है हर यार, जगह एक चीज, यार उन्हीं पीछे जा यार, क्या सुन रहे हो, जिमी पीछे जा यार, टीम जिसके साथ बातें कर रहे हो ये भी तो उसी टीम की है ना जंजुआ चाचा साहब, जी आप तो वो नहीं हमारी देख टीम रहे, की ही है, एक्टिंग नहीं कर रही, हर चीज़ एक्टिंग नहीं होती, लड़की अगर कुछ सही कर रही है तो उसको पॉजिटिव भी लिया करो, चूती हो मैंने उसकी हेल्प की है, वो मेरी ही हेल्प करेगी ना, बहन के लोड़ो मेरी टीम वाले, वो बिग बॉस इतनी की टीम वाले इनसिक्योरिटीज ना हैं, डालो अपने मुझे जहन नहीं में, मेरी टीम वाले पता आप जिसको करें, मैंने पहली बात भाई, जो हम जीते इसलिए निकालना था, हमें इजाजत मिली भाई, यहाँ पे यहाँ जरूरी नहीं बात है, है क्या रीजन है, चीमा साहब और लाइगर साहब मुझे जरा प्लीज इन तीनों के साथ अकेले में बात करने दें, चंजुआ साहब आप कह रहे थे ना कि कोई एहसान जो है आप पे मैंने कल किया वो एहसान बता दें,
तो वो एक एहसान है जे का नाम सुना। तो हम दो बंदों का कैसे लेंगे, हम दो बंदों का नहीं नाम ले सकते। मसला ये है कि लाइगर साहब जो है वो मान नहीं रहे जिसका नाम हमने लेना है। मुझे नहीं पता जे का, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप क्या कह रही हैं, अगर उसका नाम ले तो आपका भी साथ में। आप ये क्या, जरा साहब जल्दी साहब इधर आए, जल्दी साहब जरा साहब इधर एक सेकंड। अबे खैर इधर आ जा, आ जा जब तक। अरे तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम दीवार चेक कर रहे, काफी अच्छा मटेरियल यूज हुआ। नहीं फिर वही नाम लेना पड़ेगा ना, जैसे भी पहाड़ से पत्थर लाया गया। नाइस है, हम ऐसे करके मैं ऐसे लग रहा है कोहले के कान से निकाल। पहले पहले मेक श्योर करते हैं ना मेजॉरिटी कर रहे हैं। काफी अच्छा मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है। चलो ठीक है, बताया किसने था माशाल्लाह। कौन कट कट आ रहा है, ये मटेरियल चेक कर रहा है। वही हमारा प्यारा बिग बॉस चाहते हैं आप सब लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। बना लो ना ब्रो, जब आपने किसी के लिए इतना कर दिया हो कि वापस गेम शो में ला दिया आपने एक को, कम ऑन। नाम लेने के लिए बोला था और मेक मत करना। क्या कर रहा है? आप जो भी नाम लेंगे उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर किसी एक की भी सहमति ना हुई तो जी पहला नाम बताइए जी, किसको निकालना चाहते हैं? जंजुआ साहब एक ही नाम बताना है जी। सबकी सहमति होनी चाहिए कि एक बंदे की? सबकी सहमति, जिसके वोट ज्यादा होंगे फिर उस पे डिसाइड हो जाएगा ना जिस बंदे पे। सर देखे हम लोगों ने अगर चारों की आप राय माने तो फिर हम लोग एग्री किए यहाँ पे जे साहब के नाम के ऊपर उनको निकालना। नहीं जी नहीं, बिग बॉस नहीं, ये कैसे जंजुआ? हम लोग नहीं मानते इसको। क्या जंजुआ साहब आप चारों इस बात पे एग्री हैं कि आप जे साहब को निकालने चाहते हैं? सर नहीं, बिग बॉस नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग बॉस बिल्कुल नहीं। कैसे कैसे? अरे एक कुत्ती मां के बच्चे, तुझे मैंने कल सही जलील किया था भैंड के पकोड़े। क्या आप लोग इसको मैंने कल सही जलील किया था। एक सेकंड तुझे बेटा, कल मैंने फिर सही जलील किया। तेरी औकात ही यही है, ओ तेरी औकात ही यही है, तेरी औकात ही है भैंड के लोड़े। तुझे इज्जत रास नहीं आती ना, तेरे पे थूकता हूं थू भैंड चोदा। एक मिनट, आपके कहने पे मैंने कल इसको छोड़ा। एक भी बंदा बोला मैं आप लोग को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। आपके कहने पे मैंने छोड़ा था कल, सॉरी बिग बॉस। जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होता आप इस चीज की रिस्पेक्ट करें, मैं आपके बाप का मुलाजिम नहीं हूं। सॉरी जी साहब, आपसे फिर पूछा जा रहा है, अपने होशोवास में एक नाम लीजिए। हेड का लोड़ा सर, मैं यहां पे नाम लेता हूं चीमा साहब का। हां जो पहले नाम होता है वही दिल से निकलता है, क्यों पब्लिक जो बात है। जेबीएच जेबीएच JBS दौड़ो, JBS मां के लोड़ो। जी साहब आप? जी 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 लाइगर आप? जी नहीं सर। यार ये कर क्या रहे तू लाइगर? मैं लोगों को लास्ट 10 मिनट दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपसे जवाब पूछूंगा। थैंक यू आहिस्ता बोला कर यार, मुंह में घुसा के बोलता बैंड के लोड़े। तेरी माँ का फूटा निकल बैंड छोड़, एक मिनट चूतिए माँ के लो तेरे लिए हाँ लोड़े कैप्टन बना मेरे लन पे कैप्टन। ठीक है तुझे तुझे कल मैंने सही सलील किया है, तुझे कल मैंने सही सलील किया यानी हाँ। विजय को निकालो। एक मिनट, आपको कहने पे आपके कहने पे आपके कहने पे कल मैंने ठंडी की है सर। यकीन करें मैंने खुद इसको मैं खुद से देखे, मैंने इसको भी सुनाई है। ओए बकवास नहीं कर रहे, चल है क्या निकल यहाँ से पैंच। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं चाना। ये आपको लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं आपको इस घर से बाहर निकाल। छूती है इंसान भैंड के लोड़े, मजाक अलग होता है लेकिन इस घर के कुछ रूल। आप जो भी हैं आपको इस घर से धक्के दे के बाहर निकाल। बदतमीजी कर रहा है। लास्ट वार्निंग है आपकी, ये आपकी लास्ट वार्निंग है। मत किया करना आप छूती है, तू मेरे से ज्यादा गुस्से में है यहाँ पे। बहन चो जो हाथ लगा रहे सबको बात कर रहा था यार आगे से हमारे पास लाने खाए। बहन चो मुंह से करो बात यार, सारे ऐसा करो कि जो अगला बंदा गलत। मैनाल मेरी बात सुन ले, यहाँ पे तू मुझे सपोर्ट कर रही है ठीक है, कल तेरे कहने पे मैं ठंडा हुआ यहाँ पे ठीक है, और अगर आज मैं ये बातें सुन रहा हूँ अपने मुंह में मैं माँ चो दूंगा इसकी यार।
यार मेरी बात सुनो, मुझे क्या पता वो तो मेरे साथ भी जो बात की है वो मुकर गया पीछे, वो किसी का है ही नहीं। वो तो आप लोगों को भी यूज कर रहा है, वो तो आपके कंधे पे पांव रख के जीते हैं। का लोड़ा कल सही से डील किया मैंने इसको, चूतिया आज मेरा नाम ले रहा है फिर चीमे इसका नाम ले, कल को तेरा नाम लेगा। तुम उसके पास जाके मेरे नाम की क्यों भीख मांग रही हो मुझे बताओ, मैंने सुन लिया सारा, मैंने सारा कानों से सुन लिया दीवार के पीछे, तुम मेरे नाम की भीख क्यों मांग रही हो? उसको जो करना उसको करने दो, पैंच उसका असली रूप सामने आएगा सबके सामने। आ गया है यार उसने, मैंने सारी बातें सुन लिया पीछे, मैंने सारी बातें सुन लिया तुम्हारी, तुम भीख मांग रही हो मुझे अच्छा लगा, तुम भीख मांग रही हो मेरे नाम की मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्यों मांग रही हो क्यों? जी वो मुझे उसने बुलाकर कहा, कहता है मैं सबसे स्ट्रांग को निकालूंगा और सबसे स्ट्रांग जे है, तो मैं उस पे यार मैं नहीं कर होने दे सकती है। वो बंदा उस तरह का नहीं है कि उसके लिए आप कुछ करो, आपको बाद में जो है रिगार्ड करेगा, आपको फिर भी डसेगा। वो सांप है, वो एक वंस अ स्नेक ऑलवेज अ स्नेक, वंस अ हरामी ऑलवेज अ हरामी, ऑलवेज अ हरामी। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ कमिटमेंट की है कि हाँ जे का नाम ठीक है, मिनाल सिर्फ आपके कहने पे मैं जे का नाम हटा रहा हूँ। और देखो देखो मुझे आप पे ट्रस्ट है, आपको यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है मिनाल। आप एक चीज देख नहीं रहे, हमने देखे, हमने देखो मिनाल, हमने अपने आप को इम्प्रूव करना, हमने प्रूफ नहीं करना किसी के सामने। So improve as a team. Proof करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, जो हम हैं हमें पता है अपना। बिल्कुल trust होना चाहिए एक दूसरे पर। Simple. हाँ। आप विजय का नाम क्यों ले रहे? वो भी तुम्हारी टीम में था। हाँ। ना आप विजय का क्यों ले रहे? जे का क्यों भाई? यही तो बाद में आपको बोल रहा हूँ ना। उसको पता है कि वोट उसी को करेगा, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो उसको नहीं निकाल रहा, और जो उसके खिलाफ है उनके नाम ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं प्यार शेयर कोई नहीं होता मुझे बैंच, मैं गेम को ले रहा हूँ बैंच। तो एक तो तुम लोग ना यहाँ पे रिश्ते भी खराब करवाते हो, रिश्ते जोड़ते भी तुम हो, मादर छोड़ो खराब ना किया करो। उधर सभा और मास की तुम लोग गांड मार, पागल तो नहीं हो आप लोग यार? अभी उन लोगों के दरमियान में हो गया फड्डा, हम इस चीज का फायदा। बस ठीक है, वो लाइगर जो है वो अटक गया। मैं कल की बात कर, सुनो इनकी बस बातें सुनो, इनकी आवाज आ रही, सुनो बस। देखो हमारी टीम है, मेरी हमारी टीम है, हम लोग एक टीम है ना, हम लोग पांच एक टीम है ना, हम लोग पांच एक टीम है। तो बस बातें सुनो, चुप कर। मेरे एक बंदा खिलाफ है, वो मुझे निकलवाना चाह रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई वो जब होगा, वो जब होंगे। जरा वो किचन से पानी की बोतल तो लेके आया यार, प्यास लग रही है जरा। है मेरे पास है, मैं देती हूं आपको, इधर आए। वो खिलाफ होंगे तब उनका देखा जाएगा, तब उनको देख लेंगे। आप तो पानी दो इसके लिए, ऐसे ही जमजम गए, मुझे भी दीजिएगा पानी। आ गई नहीं, बस एक ही थी। आप स्विमिंग पूल वाला भी लें चीमा साहब, उसमें पैसों का अभी आपने ज्वाइन किया, अब मैं नहीं बता रहा आपको, पहले आयो स्ट्रीम पे, फौरन आया करो। ठीक है, अब इसका होगा उलट, इसका नाम लिया गया, सॉरी दूसरी टीम है, बताएगा किसी का भी नाम नहीं लिया, अभी नहीं लिया। दूसरी टीम सामने वाली टीम में से एक आदमी को डायरेक्ट नॉमिनेट करेगी, क्योंकि ये लोग डिसाइड नहीं कर सके। आप लोगों के पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद हमारे पास एग्री है। एक मिनट नहीं, बात करते हैं ना। जिस टीम में यूनिटी नहीं है, जिस टीम में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, उन्होंने लोड़ा करना है ब्रो, व्हाट द फक। मान लेते मेरी बात जंजुआ साहब, तो वो हो जाता और हम लोग अभी सारे सेव होते हैं। थोड़ा सा जरा लाइगर आस्ते बोले, हल्का सा जरा थोड़ा कम करिए ब्रो। सुने, मेरा आपसे कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसे लाइगर साहब ने कहा था कि आपको निकालना सीन आता है, बेटा भगोड़े साले, इतने तेज तो मेरी फूफी भूभी नहीं बदलती जितना तेज तू बदलता है। तो बेटा यहाँ पे नाम क्यों बोला? वरना मैं जब कोई काम करता हूँ। एक मिनट, वहाँ पे सोफे पे चोड़े हो गए, चौंकड़ी मार के भैंड का लोड़ा, अभी 10 मिनट पहले कौन मेरा नाम ले रहा था? कह रहा था सर गेम इज गेम। अब मैं तुम्हें बताऊंगा गेम क्या है। गेम इज गेम, ठीक है?
जी साहब देखे मेरी बात सुने, मुझे निकालेंगे वो बदला होगा। देखिए बदला वाला इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नहीं सक्सेसफुल होता है, नहीं सक्सेसफुल वही होता है जो बदला लेना सीखता तरीके से। हाँ जो चूतिया होता है ना वो ऐसे रगड़ा जाता है फिर जो हर एक की बात में आ जाता है। हाँ जो बातें करते हो यार आप लोग, हम तुम्हें बताते हैं हम तुम्हें बताते हैं यूनिटी क्या होती है। देखो अब जरा हमारा फैसला, हमारे भी थी खाना तो देते हैं भूख लगी है। अब हम यहाँ पे एक बंदे का नाम लेंगे और सारे कहेंगे जी यही है आउट होने वाला। आप देखिए आप कौन है वो सर, अगर मुझे निकालेंगे ना आप यकीन माने फिर आपका कॉम्पिटिशन कोई नहीं रहेगा आपको ना। रोज रोज कपड़े चेंज करी जा रही है यार, बात फोकस करो, टाइम नहीं है ये बोंगियां बाहर की ना मारो इधर। हमने जंजुआ का नाम नहीं लेना, देखो सियासत है गेम को गेम की तरह टेक्निकल तरीके से, गेम को गेम की तरह जीतना हमने टेक्निकल तरीके से, बात समझ रहे हो आप। जंजुआ को देखो, जंजुआ को अगर हमने अभी बाहर निकाल दिया उसको हम बाद में तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। द रीजन इज उसकी वजह ये है यार, मैं गोली मार दूंगा इसको, बाहर करो माँ का फुद्दा इसकी, इनको साइड पे करो। एक बंदा बाहर खड़ा हुआ करे देखने के लिए, माँ की चूत इनकी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखें रीजन इज कि मैं क्यों चाह रहा हूँ कि जंजुआ को हम यहाँ पे क्यों रखें, क्योंकि आप हैं पीडी वाली, आप जंजुआ को बेसिकली हैंडल कर लेंगी। अगर हम एक पीडी वाले को अभी ही कम कर देंगे, ऑलरेडी कुछ बंदे काम हो जाएंगे, इसको हम रखते हैं अपनी गार्ड उधर बना, यस यस उसको हम रखते हैं जंजुआ को, लास्ट को निकालते हैं उसको हम रखते हैं। कौन बोल रहा है, कहाँ 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 यार, गला क्लियर करो, कानों में लग रही है भाई, आहिस्ता बोले थोड़ा। विजय विजय का नाम लगाते हैं, विजय को निकालते हैं, आहिस्ता ब्रो आहिस्ता, तेरी कानों में लग रही है आवाज यार, आहिस्ता बोल थोड़ी सी आहिस्ता। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, बोले जे आप निहाल को का नाम ले, हम सारे उस पे एग्री करेंगे, बस हमें कोई रीजन निहाल निहाल या विजय जिसकी तुझे शक्ल अच्छी नहीं लगती, हम एग्री करेंगे बस। यार ये शक्ल शुक्ल बंद करो ब्रो, कम ऑन, लॉजिकली माइंड यूज करके बातें करो, ये शहर से बाहर बातें होती हैं, ये दूसरी चीज, ये यहाँ पे बिग बिग वाव, ये निहाल निहाल बहुत गर्म हो रहा है उसको निकाल के देखो, मेरे पास वहां पे गालियां भी देके गया मुझे, आपने ये बताना है मुझे, बात सुने बात सुने। देखें वो मैं ठीक है, आप लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ उसमें सारे इतफाक कर रहे हो, लेकिन मुझे एक प्रॉपर रीजन भी चाहिए कि मैं अगर किसी को निकाल रहा हूँ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि कल को मैंने घर से बाहर जानी है यार, बात नहीं काटो, ताकि मैं घर से जब बाहर जाऊँ तो मैं उस बंदे के मुंह पे जाके बोल सकूँ कि भाई ये रीजन थी जो बिग हाउस बिग बॉस के अंदर मैंने ये हरकत तेरे साथ की है, सी मैंने बाहर की भी तलकात देखनी है। अच्छा रफड़ नहीं थी फिर, और नहीं 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 सुनो सुनो, निहाल को निकालते हैं और रीजन ये देते हैं कि इसने बकवास की थी, हमसे बदतमीजी की है, आगे से गालियां देके क्या था। नहीं नहीं जो एक ये वो चीज भी है मेरी, नहीं नहीं जो चीज अभी हुई नहीं है उसको हम बना नहीं सकते, हुई है अभी नहीं करके गया मेरे साथ, इनसे धक्का मुंह मारी नहीं अभी करके गया अभी, लेकिन दूसरा रीजन मैं आपको बता देता हूं ना, उसने तुझे धक्का मारा किंग, एक मिनट को उसने धक्का मारा ये सर, गालियां भी देके गया, खैर इट्स ओके कोई मसला, हां बोले बोल पंजाबी। दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है कि जंजुआ के पीछे जो है ना जरार और निहाल, वो दोनों एक पीडी से भी उसके साथ हैं, दूसरा बिल्कुल उसके पीछे चल रहे हैं, वो जो बोलेगा वो दोनों उसी को वोट करेंगे, तो बचाए जंजुआ को डायरेक्ट निकालने के, हम लोग जरार या निहाल में से किसी एक को निकाल देते हैं, उसकी वोटिंग वैसे ही कम हो जाएगी। अच्छा आप मुझे बीइंग अ पीडी ऑफिसर मुझे बताएं, ज्यादा फास्ट ज्यादा शातिर क्लेवर कौन है, जंजुआ और जरार, टेल मी आपका एक्सपीरियंस है। वो तो नो, क्यों लाइगर क्यों नहीं, मुझे तो लगता है लाइगर को भी निकालना चाहिए, वो सारों को नहीं, एक वक्त में एक ही होगा ना, एक निकलना है, मुझे ये बताएं जरार लाइगर क्यों नहीं, सुन तो मैं कह रहा हूं जरार है उसका उसका सुन लेना, अरे जरार ठंडा हरामी है जिसको कहते हैं ना, छोटी मतलब दिखाता नहीं है सोच, कहीं जरार आपको गिटार बजाव जाके इंप्रेस नहीं करता, वो ठंडा हरामी है जरार, और जो झंझुआ है वो वैसे ही दिमाग के लिए गिटार बजाता है, देखा तुम लोगों को पता भी नहीं लगता बातों बातों में किन किन को सेट करके लेके गया हुआ है, निनाल को गाने सुना रहा होता है जो जो पीडी में, अगर तो आप ये चाहते हो इस टीम में से कोई नहीं ऐसे लगता है, आप लोग में से एक बंदा, आप लोग डिसाइड कर लो, मैं भी आपकी वोटिंग के साथ हूं, आई एम ओके, मैं निहाल को निकाल, मेरे पे ना रहोगे जो जे कहेगा, देखो आप लोग मुझे इज्जत दे रहे हो थैंक यू, लेकिन मैं ये उल्टा कह रहा हूँ कि आप लोगों की भी जो है जो आप लोग मुझे कहेंगे मेरा भी उसी के ऊपर जो है फोकस है, जो आप बात करेंगे मेरा भी उसी के ऊपर ओपिनियन वही है जी। अच्छा ना वो पंजाबी, मेरा भी निहाल, मेरा निहाल, तीन निहाल हो गए, विजय आप ये तो मत, मैं अभी निहाल को वोट नहीं करूंगा क्योंकि वो इतना थ्रेट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना फील आप आप नहीं, मुझे इतना थ्रेट फील नहीं हो रहा, आप लोग समझ नहीं रहे, रफड़ चाचे को, चाचा 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 न्यूट्रल है, चाचा कौन सा सपोर्ट कर रहा है, ये कौन सा हमारे बात केड़ी है, बात केड़ी है, बात माइल करके जो आप बोलेंगे उधर ही वोट होने, चाचे को हम लोग बाद में माइल करके अपनी तरफ ला सकते हैं, चाचा चाचा चाचा
बेटा चाचे से बड़ा खंजीर डॉट कॉम मैंने देखा ही नहीं बहन चोद। और अभी तक वो हमारे खिलाफ नहीं गया यहाँ पे। मिदाल एक बार आप किसी और का नाम लेके देखें। एक सुअर, एक सुअरों की फहरिस्त अपनी जगह, चाचा अपनी लाइन में, मजाक नहीं कर रहा। चाचे का ठीक है ना, सही बात है। हाँ, चाचा ठीक है। तीन वोट चाचे के, तीन वोट निहाल। मेरे मुताबिक जरार या निहाल में से होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर जंजुआ की कमर तोड़नी है अभी आपने, वो एंड के लिए रखती है, वो हमें मिनाल बता देगी किस तरह करना है, क्योंकि पीडी की है, उसको पता है अंदर के सारे गुण। अगर हम पहले, हाँ अभी रुक जाओ, लेट्स प्ले अकॉर्डिंगली, सी इस तरह ध्यान से करते हैं। चलो आ जाओ, लेकिन एक ही वोट कौन है? चाचा आ जाओ। चाचा ऐसे ही है, इनको बताते हैं यूनिटी होती क्या है। आप सब लोग लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाए। यूनिटी क्या होती है इनको बताते हैं आज। एक वोट ऐसा चूतिया है जंजुआ, जंजुआ ने मेरा नाम लिया है पब्लिक आज। मैं कुत्ती का बच्चा, क्या मैं आप लोगों से वो नाम जान सकता हूँ? तो तूने मेरा नाम लिया ना, तूने मेरा नाम लिया था निकालने के लिए, लेकिन तेरी टीम ने साथ नहीं दिया। अब देख मैं बदला लेता हूँ तेरे से। हमने चुना है, हमने चुना है। हमने चुना है चाचा। आपकी पूरी टीम एग्री है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, क्या बोझड़ी के, माफ किया मैं चाचा। आप अपना सामान अभी के अभी इस घर से बाहर आ जाएं। आप बिग बॉस के इस घर से निष्कासित होते हुए क्या माफ किया? ठीक है जी, क्या माफ किया? मुझे पहले आप एक अच्छे आदमी हैं जैसा। फक ऑफ, नो हग मी, निकलो यहाँ से बहन चोद। जैसा आप देखें, आपने जो किया है मैं जानता हूँ, आपने ये दिल से नहीं किया पर बेटा, दिल से नहीं। एक बात बताऊं, सारे तेरे खिलाफ थे क्योंकि सारे जे अपने जे भाई के साथ सारे खड़े हैं। मैंने बोला, मैंने बोला, हाँ जी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप भी क्या? मैंने और जे ने बोला। हाँ जी, हमने डिसाइड किया। मैंने कहा नहीं जंजुआ, इट्स ओके, हाँ जी अच्छा बंदा है। मैंने कहा अच्छा बंदा है, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, खैर है। जी जी, वैसे तुम डिजर्व नहीं करते थे एनीवेज। और अभी दो मिनट पहले आपने मेरी भी वैसे बात कर, कहने का मकसद पता है क्या जंजुआ साहब? जंजुआ साहब, कहने का मकसद पता है क्या है? कहने का मकसद ये है यार, उसको बाहर तक तो छोड़ने आ जाते तुम लोग। अरे आओ, चलो आओ यार, अकेला गया वो, चला गया, चला गया। नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात है यार, मैं गलत बात है यार, गलत बात है। किधर है चाचा? नहीं यार, जे साहब वो चले गए हैं। अच्छा, ओके ओके, चला गया जे साहब, चला गया। अब देखो, अब क्योंकि गाने शाने नहीं इधर, चुप। और आज जो है गाने कौन है? कवाली है गाने के बच्चे। अगले किसी भी टास्क में मिस्टर किंग कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, और उनका कोई भी दिया हुआ फैसला इस घर में रद्द है। माँ ही चुप। आज के पूरे दिन अगर मिस्टर किंग किसी से भी बात करेंगे, उनका लिया हुआ फैसला भी रद्द हो जाएगा। ये सजा है। मैंने किया क्या है? आप बस ओवर क्लेवर और ओवर फ्री होने की। मुझे क्या बोला? अगर इनकी कुछ बात किसी ने भी सुनी बोला, और किसी ने भी इनसे बात की, उन टास्क और सब रद्द हो जाएगा। बोला था अगले टास्क के लिए आप लोग दो टीम्स बना लें, आप लोगों के पास 10 मिनट है। ये तो किंग को पावर मिल गई। नहीं पावर नहीं किंग, अब तू यहाँ बैठ के हमें वाकई ही कवालियां ही सुना बस। अब तू बस कवालियां ही सुना हमें, एंटरटेन कर। अब तू नहीं, नहीं बात नहीं, हम उसकी ओपिनियंस, हम ओपिनियंस नहीं ले रहे। ओ बेटा, हम ओपिनियंस, ओ बेटा बात की तूने, उन्होंने बात बहुत भी नहीं करनी थी बेटा। बिग बॉस बात कीजिए, ने मुझे बुलाया, मुझे से बातें कर रहे हैं आगे से। आपके साथ लास्ट वार्निंग है सर, आप हंस क्यों रहे हैं ऊपर बैठ के? बैठ चुके आप लोग, दो टीम्स बना लीजिए। सॉरी जी, वो जिसको मैं उकसाऊंगा, मेरे साथ कोई बात तो करो यार। आवाज नहीं आ रही इतना, इसकी आवाज कैसे है? बिग बॉस, हम किंग से बिल्कुल बात नहीं कर सकते। इसकी आवाज नहीं आ रही। मैं चुप, ये टीम्स मेरी मर्जी से बनाए, कैप्टन नहीं बनाएगा। और बिग बॉस मेरा क्वेश्चन है। ओके ओके, आपको कोई क्वेश्चन है तो बिग बॉस के रूम में आइए। ओके,
जे कैसे है? जे जे क्या हाल चाल है तेरे? हेलो जे देगा नहीं ये सब घर के अंदर भी कुत्तों की आवाजें आ रही है। मुझे लास्ट वार्निंग के बाद भी मुझे बोल रहे अभी तक बिग बॉस इधर आना इधर आने से मैं पकड़वा। अरे बड़वे लेट्स गो टीम आ जाओ चले आ जाओ चले आ जाओ चले। अनस टीम बनानी है जी टीम बनानी है। अनस अनस ये अनस ये तेरी भी कोको में लन होए। अनस ये क्या कह रहा है? अनस ये क्या कह रहा है? पता नहीं मैं तो दो दूं मैं तो दो रहा हूँ मैं तो दो रहा हूँ। बात सुन मिनाल आसमान नीला है बॉस। बिग बॉस ये हमें बातें नहीं करने दे रहा, ये हमें आउट ऑफ फोकस कर रहा है। प्लीज एक्शन प्लीज एक्शन ले सर। बिग बॉस बिग बॉस ये उकसा रहा है बिग बॉस हमें। मैं उकसा तो सकता हूँ बिग बॉस ये तंग कर रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे। प्लीज मदद कीजिए। अगले 20 मिनट के लिए आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, ये आपकी सजा है। अब हम कहेंगे बोलो ये बोल जा जा। आप सबको इजाजत है आप इससे बात कर सकते हैं। बैंड के लोड़े गश्ती मार के बच्चे तेरी चोट मारूं बाहर जा कुत्ता तेरी मार बैंड चो ओए हाथ मार दिया ओए हाथ मार दिया जैसा एक बार जो सर ने मारा सर वो बिग बॉस वो मिस क्लिक हो गया मिस क्लिक बिग बॉस ने देखा मिस क्लिक हो गया मिस क्लिक हो गया। सॉरी यार सॉरी यार सॉरी प्लीज यार माफी प्लीज 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 माफी। अगर आप कहोगे मान जाएंगे, अगर वो आप कहोगे मान जाएंगे। प्लीज यार प्लीज लास्ट चांस प्लीज प्लीज भाई नहीं भाई नहीं मैं नहीं निकालूंगा तुझे निकालूंगा। प्लीज प्लीज निहाल निहाल भाई नहीं है मेरा छोटा भाई नहीं बता दे यार प्लीज 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 यार निहाल प्लीज यार तेरी सुन मुझे मुझे लगी है लेकिन कोई नहीं मसला नहीं। उनसे कह दे बिग बॉस से कह दे तेरी सुन लेगा प्लीज। भाई बिग बॉस बोल ही नहीं रहा मैं क्या बोलूं यार तू बोल देना मैसेज पहुंचा दे। नहीं हूं जानबूझ के की गई गलती और अचानक कोई की गई गलती मैं देखता हूं यार प्लीज। तो आप ज्यादा फ्री मत हो बोन से अचानक गलती हुई है मेरी और चीमा की टीम में जिसने आना है तीन बंदे। थैंक यू निहाल आपको भी बिग बॉस आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। गलती से हुआ वाकई मेरी और चीमा की टीम में जिसने आना है वो आ जा तीन बंदे और आगे आगे। मैं खड़े होकर स्ट्रीम क्यों कर रहा हूँ? गोडो में जाके क्यों कर रहा हूँ स्ट्रीम? बहन छोट एक सेकंड इधर बैठो कुर्सी पे बैठो भाई। वाकई गलती से हुआ आपने देख लिया सबने मैं नाचा हूँ तो क्लिक हुआ मुझसे। दोबारा बोलिएगा दोबारा बोलिएगा क्या हुआ यहाँ पे क्या चल रहा है कोई बताएगा मुझे? ये पांच बंदों की टीम बन गई है। मैंने बताया है कि टीम हमारे साथ आए आपने सुना ही नहीं कुछ। तो मेरी जगह नहीं मेरी जगह क्या मुझे क्या तुम लोगों से तुम लोग क्या मैं पूछना पड़ेगा तुम लोगों से? अच्छा मेरी और जे की टीम में जो तीन बंदे ने आने आ जाए आगे आ जाओ आ जाओ। जरार आप तो स्ट्रीम में थे लास्ट में आप उधर ही। अरे मुझे क्यों फीलिंग दे रहा मुझे ये ना मिनाल मिक्स फीलिंग्स दे रही है। आई डोंट नो अपने फैसलों से। चीमा अनस और अनस यार ये क्या बात हुई पहले मैं खड़ा हुआ था तो पांच पांच पूरे हो गए ना हम आप उधर चले 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 कोई टीम ने पार्टिसिपेट करना है टीम में कि नहीं करना नहीं पार्टिसिपेट यार मुझे मैटर नहीं करता सिंपैथी ले रही है क्या कर रही है। आई डोंट केयर जब तक मेरे साथ ही ठीक चल रही है फेयर चल रही है मुझे परवाह नहीं है। मैंने इसके लिए इतना काम बड़ा काम मैंने कर दिया अभी तक कोई भी नहीं किया किसी ने। मैंने वोटिंग रिवर्स करवा दी आप लोगों की बदौलत थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया थैंक यू। मेरे साथ ही दो नंबरी नहीं चीट नहीं कर सकती अब जिस स्टेज पे आई मुझे दो नंबरी नहीं करेगी मुझे इतना पता। किंगो ये यार कौन आ रहा है कौन आ रहा है इधर कौन आ रहा है हेलो इधर कौन कौन है अब? हम पांच है ना हम पांच और वो सामने खड़े पांच ठीक हो। ओए किंग वाइल्ड एंट्री पे लड़की की एंट्री हुई है किंग वो देख कौन आई है। अरे किंग तो गया नहीं है चला गया वे हेलो जैसा वो किंग को बुलाने के लिए बस झूठ बोला गया था। एक आप फूल पकड़ के खड़े हो गए कोई नहीं अभी काम करें मेरा लूर जैसा आप भी भाई प्रैंक कर रहा था किंग के साथ यार। बिग बॉस चाहते हैं आप सब लोग लिविंग एकत्रित हो जाएं। एक तो ये एकत्रित की नहीं मेरी फीलिंग्स नहीं है बैंच मेरी फीलिंग्स नहीं है लोड़ा। आप अपनी वापस हालत में आ सकते हैं आपको माफ कर दिया ये तो गलती कर दी जिस तरीके से। अरे मेरी जान कैसा ठीक हमारे शहर में लग आपके घर में कंटेस्टेंट आते हैं उसी तरह हम कुछ मेहमानों को भी इस घर में लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपसे मिलने आएंगे
और शायद आप लोगों के दिल के बहुत करीब हूँ। okay, आप लोग सब दरवाजे पे चले जाएं और इस न्यू मेहमान को वेलकम करें जो सिर्फ आपके घर में 10 मिनट के लिए होंगे। चले जाएंगे। दिलफूजा भाभी तो नहीं आ रही है? एक सेकंड में देख लेता हूं मुझे। एक मिनट। अरे ओए बिग बॉस दिखो आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो बिग बॉस है, वो तो कोई और है, वो तो गबरू की बात हो रही है। किसको लगता है कौन किससे मिलने के लिए आया? पता नहीं, मैं तो रोज लेकर खड़ी हो गई हूं जो भी है। मुझे लग रहा है हाथी होगी। ठरकी कहीं की रोज लेके खड़ी होगी उसके लिए? अच्छा नहीं नहीं, ये ले फेंक दिया। रोज लेके? हां विजय तुम सही कह रहे हो बच्चे, हाथी भी है। जिनचे मुझे लगा कि लड़की है ऐसी। अरे क्या भाई 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 भाई, देखो मैंने आपको मैंने कहा था बिग बॉस और है, गबरू और है। सी देखो ये बात, मुझे बिग बॉस ने बुलाया, मैंने कहा जाके देखो तो सी क्या कर रहे हो तुम लोग मैच। आओ यार घर तो दिखाओ मुझे छुट्टी। आजा आजा स्पेशल स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस। अच्छा एक मिनट, एक चीज चेक कर लेते हैं। वो मतलब जी शुक्र है मैंने गुलाब का फूल फेंक दिया था। एग्जैक्टली, नहीं आपने तो फेंक दिया था, वो मौका नहीं छोड़ता। तो जैसा भी एक काम करते हैं ना, ये हमारे मेहमान है, इनको वहाँ पे लिविंग एरिया में नहीं बिठाते, बिग बॉस के कमरे में ले चलते हैं। नहीं नहीं एक काम करते हैं, नहीं 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 एक एक सुनो बात सुनो, एक काम करते हैं, इनको हम बिठाते हैं लिविंग एरिया में, फिर बिग बॉस को कहते हैं कि हाँ जी अब अगला टास्क है, आज मुझे बताओ तुम लोग कैसे गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, अपने बारे में तो बताओ भाई। बिग बॉस, बिग बॉस जो है यहाँ पे शैतान का रोल प्ले कर रहा है, मादर चोद का बच्चा पाया गया है, लड़ाइयां करवा रहा है, फटे इतना चूतिया इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा ब्रो। मैं कहता हूँ रियलिटी के बहुत क्लोज है, ऐसा बैंड का लोड़ा है यार, मादर चूत क्या सोच है भाई, गांड ही फाड़ दी, लेकिन है चूतिया, करा फड्डे रह बहन चूत, तोबा अस्तगफार, तोबा 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 तो अभी हम वार्निंग दी जाती है क्या, अब गाली नहीं देंगे? जी 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 बिग बॉस, सॉरी सॉरी जी जी जी। अरे नहीं भाई, अरे बहन चूत मत देना गालियां चूतिए। वैसे देखा जाए बिग बॉस बहुत वाकई तेज है, वैसे गबरू साहब थोड़ी देर पहले हमें क्या गाली दे रहे थे, थोड़ी देर बाद उसी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। बस को गालियां गबरू साहब, वैसे आप बाहर से देख रहे हैं ये तुम लोग क्या सुन रहे हो ब्रो, रियलिटी है, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ब्रो, फटे बहुत हो रहे हैं फटे, मैं बता रहा हूं फटे। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो, तुम लोगों में ना एका नहीं है, पहली बात तुम लोग ना पार्टियां बदल रहे हो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुन गबरू, मतलब कि तू जो है पीछे नेशनल टीवी के ऊपर ये शो देख रहा है, तुझे पता है? इसलिए पूरी दुनिया देख रही है हाल उसके नेशनल टीवी। क्या बात है, क्या बात, फेमस हो गया भाई, भाई भाई क्या शो, बहुत फेमस, क्या बात, क्या बात, तुम लोग बाहर सेलिब्रिटीज बन गए हो, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े, मेरे तुम्हें पता है बिग बॉस अब तुम्हें सिटी में भी लेके जाएंगे जिधर लोग तुम्हें आके मिलेंगे, लेकिन तुम किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि भरम है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। हाँ अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले मैं तुम लोगों को सबका गेम देख रहा हूँ, गेम तुम लोग किस तरह खेल रहे हो, कुछ गेम में वीक पॉइंट है और कुछ है तुम लोगों को बताता हूँ, आओ सारे बैठो, आओ जो मैं देख रहा हूँ मैं अपनी नजर से तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से जब गबरू आ गए तो फिर बिग बॉस आप नहीं बोलेंगे। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग ना बहुत सब अच्छा खेल रहे हो, ठीक है ना, सब अच्छा खेल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम इधर पता क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुम ना अपना रियलिटी छुपा के जिस तरह जे खेल रहा है, वो अगर किसी के पीछे पड़ता है तो अगर उसको छोड़ता है तो फिर उसके साथ रहता है, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि तुम पार्टी बदल देते हो, लोटे बन जाते हो, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखो। टास्क में तुम लोग बहुत ढीले हो, तुम लोग टास्क को सीरियस नहीं लेते, कि टास्क जीतना जो होता है वो एक बड़ी बात होती है, और जब बिग बॉस तुम्हें कोई चीज देता है ना कि यार ये करो, ये किसी को कुछ, तो तुम लोग एग्री नहीं हो पाते उस, तो देखो दूसरी टीम जो है वो उसका एडवांटेज ले जाती है। तुम लोगों को मिल के ये गेम खेलनी है और कोई सॉलिड रीजन बताना है कि तुम दूसरे को क्यों निकाल रहे हो, ताकि जो दूसरी टीम है वो भी वो हो और बिग बॉस भी हो, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, इधर तुम लोग कुछ और बातें कर रहे होते हो, उधर जाके तुम लोग कुछ और बातें करने शुरू करते हो। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, किंग कल तुम्हारे साथ था, आज वो जे के साथ मिल गया, लेकिन तुमने आज किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया, हालांकि तुम लोग को ये मुद्दा उठाना चाहिए था। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, ये बच्चियां सारे इनको नहीं समझ आ रही। उठाओ, हां मेरा दिमाग उल्टा चलता है, सी इसलिए डिफरेंट है, समझ रहे हो? जी से हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी जी, और मैं बड़ी गौर से बातें ये सुन रहा हूँ, ये नहीं कि गबरू आके मैं नहीं तुम लोगों को गबरू एक बात करूँ, मैं तेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा हूँ, ये इनको नहीं समझ आ रही, मैं तेरी बातें इसलिए गौर से सुन रहा हूँ, तू खाली एक अच्छा व्यूअर नहीं,
तू एक अपने किसी और दिमाग से भी बात कर रहा है जो कि काफी रला मिला सा है। जी हाँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड तुम कहना का चाह रहे हो। ये बात, ये दिमाग मादर चोदी बच्ची है सारी, घर में कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो आगे निकलते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर विजय, ये घर में कुछ नहीं कर रहा लेकिन ना किसी टास्क में दिखता है, ना टीवी पे दिखता है, ना किसी उसमें, लेकिन ये देखो कितना आगे आ गया है। लेकिन तुम लोगों की किसी की भी इस पे नजर नहीं गई, पता है क्यों? क्योंकि वो तुम लोगों के पीछे छुप छुप के निकल रहा है। ये गेम प्लान उसका है कि वो छुप छुप के निकलेगा, लेकिन तुम लोग इस बात को कोई नोट नहीं कर रहे, तुम लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हो। तो जो इस घर में टास्क कर रहा है, जो इस घर में आगे, क्यों देखा मेरा, अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं, को देखना है और दूसरे को निकालना है, या अपने पावरफुल आदमी को निकालो। इस टाइप की चीजें करो जो तुम लोगों को नजर नहीं आती। कुछ लोग एड़ा बन के पेड़ा खाई जा रहे हैं लेकिन तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग तो आपस में लड़े जा रहे हैं, दो बंदे या तीन बंदे लड़ी जा रहे हैं। इस चीज को तुम लोग नोट करो कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। एज अ व्यूअर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी गेम प्लान तुम सबका। देखो उसका गेम प्लान है, वो चूतिया बन के आगे निकल रहा है तो वो उसका गेम प्लान है। अगर तुम लड़के आगे निकलना चाहते हो तो ये तुम्हारा गेम प्लान है। अगर तुम अब देखें, अभी दो टास्क हम देख रहे थे लाइव टीवी के ऊपर, तो दो टास्क में ओनी की परफॉर्मेंस जीरो थी, और आई मीन चीमा की, चीमा साहब जो बैठे हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे हैं कुर्सी पे 2.5 घंटे, लेकिन आप लोगों की किसी भी चीमा साहब पे नजर नहीं गई क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं है, उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। लेकिन आप लोग इस बात को नोट नहीं कर रहे, जंजुआ साहब की इन्वॉल्वमेंट, पंजाबी साहब की इन्वॉल्वमेंट, मीनाल की, जे की, इन सब की इन्वॉल्वमेंट, इवन के निहाल लड़ रहा है, इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, किंग लड़ रहा है, लेकिन जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं आप उनको नहीं देख रहे। जरार की जीरो इन्वॉल्वमेंट है लेकिन आप लोग देख नहीं रहे इस चीज को, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप टास्क को देखेंगे, टास्क कौन अच्छा करता है, आप ये देखेंगे आपके साथ इंटरेक्शन कौन अच्छा करता है, आप उसके खिलाफ वोट करें, उसको निकालें। वो लोग अपना गेम प्लान कर रहे हैं, आप लोग अपना गेम प्लान कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो ये व्यूवर थे जो मैंने बाहर से एज अ व्यूवर देखा है मैंने, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस गेम को खेलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से मैं आया था बस अपने दोस्त जे को मिलने। चलो मेरी जान, आई लव यू सो मच। नहीं मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं इधर ही हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ ना, मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, जरा आना, मैंने एक बात करनी, जरा साथ साथ आओ, इधर आना। चले आज 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 आप जिस एंगल से बात कर रहे हो, क्या ये बात अगला आपको समझा रहा है या आपको टीच कर रहा है? समझ रहे हो, दो डिफरेंट होती है चीजें, ये इनको नहीं अभी बातों का पता। सो ये मेरे दिमाग में चीज पड़ गई है कि तू बहुत अच्छा खेल रहा है, कि एक व्यूवर की आंख, देखो एक व्यूवर्स की आंख से बढ़ के मैं एक दूसरी आंख की तरफ भी देख रहा हूं इस वक्त। एग्जैक्टली, और तुझे और मैं पता किस आंख पे देख रहा हूं इस वक्त, एक व्यूवर की आंख से, किसकी आंख पे? नो, वो जो एक टीवी शो चल रहा है उसकी आंख पे देख रहे मैं। ये बात अच्छा, मेरी बात सुन, तू बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन मेक श्योर कर जिन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है ना उनको छोड़ के उनको देख जो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, जो तेरी नजर में नहीं है। सोच, जो तेरी नजर में नहीं है ना वो सबसे ज्यादा तेज है। मुझे ये बता कि वो आगे जाना चाह रहे हैं। ये बता तू मेरी इतनी यहाँ पे आके हेल्प क्यों करेगा, व्हाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ तू जीते, चूतिए मैं तो क्या डम है तू यार, तेरा दुश्मन थोड़ी है तू। टीवी शो में तूने पार्टिसिपेट किया, तू जीत के आएगा, पूरे मोहल्ले में हम बैंच और चीजें बांटेंगे, मिठाइयां बांटेंगे। नहीं अगर तू अगर मुझे यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह मैंने क्या करना है एज अ व्यूअर, तो वहाँ पे खड़े होकर सारी वाली बातें क्यों कर रहा था जो करनी चाहिए हम सबको? चलता है ना, मैं किसी और खिलाफ में होता हूँ, अभी पता नहीं मैं किधर हूँ आप लोगों को। आप सब हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदर्दन है। आप लोग अभी समझे नहीं हो, दिमाग चाहिए उसके लिए, दूसरे टाइप का। जो आपसे मिलने आएंगे, जैसे कि अभी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गबरू साहब का कि वो आया हमारे घर में। और आप लोगों के और भी कुछ दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो आएंगे आपसे मिलने। तो मेरी अम्मी भी आ रही है बिग बॉस। अगर हम किसी को बुलाना चाहें कि हमसे आके कोई मिल जाए, क्या ऐसा भी मुमकिन है? जी हाँ, आपको मौका दिया जाएगा। मेरे अलावा जीतने के लिए, मेरे अलावा आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है। इस टास्क में अगर आप जीत गए तो जो टीम जीतेगी उसकी हर दिल की ख्वाहिश पूरी की जाएगी, जो बिग बॉस के हिसाब से होगी। तो अब आप लोगों के पास चांस है,
आप लोग प्लीज दो टीमें बना लें, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम अपने टास्क शुरू करेंगे। टीम हमारी वही रहेगी हमेशा, टीम तो बनती है बस। यूनाइटेड यूनाइटेड, हमारा हमारा स्लोगन है यूनाइटेड एज ऑलवेज। आजो आजो जी, आजो आजो, इधर आओ। कितने बंदों की टीम है, कितने बंदों की टीम है यार? जो पांच कहकर गया ना, वो दिमाग में बिठाई वो चीज, वो नहीं, मैं तो समझ गया, मैं तो उसी वक्त समझ गया था, मुझे नहीं पता आप लोगों को शायद समझ आई कि नहीं आई। आ गई है, बिल्कुल आ गई है समझ। मुझे तो लग रहा है, देखो आप लोग समझो मेरी बात को, कौन है हमारी टीम में, कितने लोग हैं पहले डिसाइड कर लो ना, स्प्लिट कर लेना। एक दो तीन चार, उधर उधर कितने लोग हैं, पांच, इधर कितने हैं, पांच, इधर आओ। पंजाबी कहाँ गया है, पंजाबी किधर है, हैं? पंजाबी में घर पर बॉस किया। अच्छा इधर आओ, इधर आओ यार, इधर आओ किंग, इधर आओ यार, सुन लो एक दफा, बार बार नहीं बोल रही मैंने, बार बार नहीं होगी बात, इधर आओ। देखो अब मसला बहुत संगीन हो गया, गमगीन हो गया। देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं आपको ना अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलो, आज मैं आपको एक किसी और एंगल से, किसी और आंख से आपको यहाँ पे बातें समझाने लगूँ, बात को समझना। देखो वो बंदा एज अ व्यूअर बन के आया है और एक डीप व्यूअर बन के आया है, उसको खाली एक टीवी पे देखने वाली आंख के नज़रिए से आपने नहीं परखना। वो जो हमें यहाँ पे बातें करने आया है, वो हमें इनडायरेक्टली समझाने आया है कि भाई कल को ये हो सकता है, सही है, और बिग बॉस की आंख जो है, सही है, वो ज़्यादा तेज़ है, आप समझ नहीं रहे, इसलिए उसको बिग बॉस कहा जाता है, उसकी सब पे नज़र है, सही है, समझ नहीं आ रही आपको, ये कुछ डीप बात है। इफ यू नो यू नो, उसने हमें एक तरह की, उसने एक तरह की हमें हिंट दे दी है कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। और मैं यही कह रही हूँ कि ये चुप करके है ना बैठे हुए, ये शायद हमारे कंधों पे बंदूक रख के हमें एक दूसरे से लड़वा रहे हैं। देखो दो बंदों का नाम लिया, देखो बात सुनो मेरी, दो बंदों का नाम, किसका, एक लेजी ये बंदा सामने खड़ा है, सीधी बात करूंगा, सॉरी यार, चीमे का, और एक किस बंदे का नाम लिया उसने, विजय, विजय विजय, जरार का भी नाम लिया मेरे ख्याल से, जरार का लिया, ठीक है। मतलब भाई सीधी बात करूंगा, एज अ व्यूअर उसको जो फील हुआ है, हमारा शो देख रहा है अभी, वो उसने ये देखा है कि चीमा वो और वो जो चुप चुप है, हाँ, कहने का ये मकसद है बी केयरफुल, आपसे भी, सॉरी यार चीमा भाई, हमें आपसे भी खतरा है कहीं ना कहीं। अब ये आपने यहां पर हमें क्लियर करनी है कि आप इतने चुप चुप क्यों बैठी हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताओ। देखें जैसा कुछ तो कुछ ना पक रहा है, नहीं 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 कुछ ऐसा वैसा चक्कर नहीं, अगर आप लोगों को मेरे पे शक लग रहा है तो फिर मैंने तो बोला ही नहीं शक, ही तो तुमने खुद बोल दिया तभी आपने कहा है ना कि मेरे दिमाग, मैंने बोला शक है, मैंने बोला शक है, चोर की दाढ़ी में, एक मिनट, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोरी का साइकिल, एक मिनट यार चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा झाड़ू लग रहा है मुझे तो। अब आप सब मुझे अगर पॉइंट करोगे तो फिर मुझे यही लगेगा ना कि आप लोगों का मेरे पे शक है। अरे जी ये रहने दें, ये सब बातें ना करें, भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप हमें फील करा रहे ब्रो, कम ऑन, इन्वॉल्व रहो चीजों में, बोलो ये सब। देखिए अब आप अगर ऐसी हरकत करेंगे तो आप अपनी एक्टिविटी शो करो ताकि हमारी टीम आगे जाए, शो एक्टिविटी, हम इसी को जीते। देखो एक हमारा फैन आया है, ठीक है, हमसे यहाँ पे आके एक व्यूअर आया मिला है, वो हमें बता गया इतनी बातें कि जो हम नहीं समझ पा रहे ब्रो, आप समझिए बात। तो अगर वो हमें कुछ अगर वो हमें कुछ हिंट्स दे रहा है तो हमारी आंखें क्यों बंद हैं, व्हाई फागलो, समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब मिनाल, अब आपने डिसाइड करना यहाँ पे क्या सीन है। अच्छा टास्क क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, अब क्या चल रहा है अगला, टीमें बनी हैं, दो टीमें तो रेडी है हमारी, ठीक है। अनस आपकी इन्वॉल्वमेंट, अनस आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे जीरो मिल रही है इस वक्त, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ब्रो आपकी, अनस आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मेरी जान, जीरो इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी नहीं, आप ना इनपुट दे रहे हो ना कुछ कह रहे हो, कोई कुछ भी नहीं है। चीमा तो यहाँ पे कर लो, लोड़ा कर रहे हो आप यहाँ पे, कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे ब्रो, ये यहाँ पे पैसा लगा हुआ है ब्रो, ये बाहर वाला हाउस नहीं है, बकचोदियां नहीं चल रही यहाँ पे, आप इन्वॉल्व रहे मेरे साथ, कम ऑन, इधर पजाद आ रहा है, मैं ले सकता है, देखो मैं ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे लड़की है या छोटा बच्चा है, नो, मेरे लिए सब बराबर है यहाँ पे, जैसे बिग बॉस के लिए सब बराबर है, यहाँ पे मेरे लिए आप सब बराबर होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आप लोड़े की रास्ती है, सोफे पे चौकड़ियां मार के मादर चोद, तुम मेरा नाम ले रहे हो बहन के लोड़े,
जैसा वो इंटेंशनल नहीं था, मैं मैनिपुलेट किया गया था, मेरा दिमाग इंटेंशनल नहीं था बल्कि फुली इंटेंशनल था माधुरचोद। नहीं नहीं जी सब, उन्होंने असल में ना मेरा मुझे वो किया था, उन्होंने समझ रहे हैं आप, मेरा बदगुमान किया था आपके बारे में उन्होंने, इनकी हिप पे हाथ लगा दिया था। तुम्हें मैं गुमान सुनाऊंगा बाद में तलहा का भी, उधर चलो शाबाश, बोंगिया ना मारो, बदगुमान इंसान हो जाता जैसा तुम एक नंबर के बदगुमान हो। आओ यार पंजाबी आ गया, मिनाल को बुलाओ, किधर गई है? आपकी वाइब आती है, सॉरी जी, मैं देखो बात सीधी है, बात ये है कि या तो आप इन्वॉल्व रहो हमारे साथ, हमें मशवरे दो, सेशंस तो चल क्या रहे, नहीं तो हम आपको अगले राउंड में, हम तो साथ ही हैं, हम आपको साथ नहीं रख सकते, आप हमारे लिए थ्रेट हो। मुझे कहा आप एक, ना ना एक बात बताऊँ, आप मेरे लिए, आप मेरे और मेरी टीम के लिए एक थ्रेट हो, वो कैसे, एक अंडर कवर, आप मुझे जासूस फील करा रहे हो, मैं आपके पास भी नहीं खड़ा, हाँ आप, मैं आपके पास भी नहीं खड़ा हो सकता, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये बंदा जो है ये जस्ट कर रहा है। नहीं नहीं मैं कोई बम तो नहीं मारने लगा, नहीं बम की बात नहीं है यहाँ पे, हम मजाक नहीं कर रहे, बम तो मार भी नहीं सकते, बिग बॉस के हाउस में हो, बम देखो आप मुझे अंडर कवर स्पाई की फील दे रहे हो, मेरी टीम और मेरे लिए खतरा हो, और कल को अगर मेरी टीम कहती है कि हमने चीमे को साथ नहीं रखना, मैं उनके साथ हूँ शरीक उनके डिसीजन में, आई एम सॉरी। फिर बाद में ये ना कहना जो ये क्या किया तुमने मेरे साथ, क्यों, क्योंकि तुम मुझे अभी सिग्नल्स दे रहे हो, यू आर गिविंग मी मिक्स सिग्नल्स, मैं आपको साथ नहीं रख सकता, आप थ्रेट हो मेरे लिए, ट्रस्ट इश्यूज हैं तो ठीक, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, आप मुझे महसूस फील करा रहे हो ब्रो, बोलो ना यार, बोलते नहीं हो बहनचोद, मैं बुरा हूं उसके सामने, आप प्रूव करें तो, क्यों कहता है, वजह तो बता हमें, क्यों चुप, बुलाओ बाकियों को, बुलाओ बहनचोद, गांड में जा रहे हो उधर, जाके लाओ उनको यहाँ पे यार, बहन यार अजीब बहन छोद, हम बोली जा रहे हैं यहाँ पे, बहन जो बोल बोल के थक गया मैं, माधर छोद ना भाई ना, मैं दो रमरी नहीं होने दूंगा भाई, सीधी बात है, मैं छोद मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, मुझे लॉयल्टी रिटर्न में चाहिए, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है जी सब, ठीक जी, मिनाल कैरी करें जरा इनको यहाँ से, पंजाबी कहाँ गया यार, उसने आना जाना लगाया, उसको बिठा लो ना एक जगह पे यार, क्या कर रहे हो, बिठा लो अभी टास्क का वेट कर रहे हैं हम, लेट्स सी देखते हैं क्या मिलता है। मैं मिनाल को ढूंढने गया था, ये मिली नहीं, अरे मैं वो बुला रहे, वाकई बुला, ऐसे खेलते हैं, देखा जी मिनाल, बताएं आपका क्या प्लान है, इसको रोल प्ले कहते हैं, ये बचता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लोंडे डिफॉल्टर भागेंगे, हम उल्लू हैं रातें भी जागेंगे, हम वायस हैं बेटा हम वायस हैं, तू रियल है तो हम भी नाइस हैं, तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े हैं, जो नस्ली नहीं मेरे लोड़े पे, थोड़े से बीफ से खबरी जो हो रहे थे, आंखें खोल के ये सब्र पर सो रहे थे, बातें चोदने से बच्चे नहीं होते, वे खेओ मैं चेस्ट।